दादी को पटक दिया है क्यों? दादी पोता में फाइट हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है दादी पोता में। दादी को पटक दिया है, मार्कर लेके आया है, मार्कर से दादी का मूंछ बना रहा है, दाढ़ी बना रहा है, क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। देखिए आप लोग, दादी फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। दादी, मम्मी ने जो सेब दी थी आप वो क्यों नहीं खा रही है? हम लोग देख सकते हैं कितना पढ़ने में मगन है, इन्हें तो छोड़िए। और फ्रेंड्स, मैंने सुबह में 2 उबले अंडे खाए। फ्रेंड्स, हम लोग को अंडे खाने चाहिए, उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी भी मिलता है। इसके साथ साथ उसमें प्रोटीन भी होता है, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। कहते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। या फिर कहते हैं जो नहीं खाएगा अंडा, संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। देख आ रहा है, सूंघ आ रहा है, देखते हैं किस चीज का सूंघ आ रहा है। मन कर रहा है कि इसे मैं बैल के साथ खाए जाऊं। इसको खाना गरम गरम पराठे के साथ, ठीक है? चने दाल का तड़का है ये, इसको बाबू खाएगा गरम गरम पराठे के साथ। और देखिए मम्मी बनाई है गरम 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 आलू का भुंजिया। अरे गरमा गरम पे एक मुझे कैसे गरमा गरम अंडे गरमा गरम। देखिए मम्मी काट के रखी है खीरा, मिर्ची, अनियन और टमाटर और नींबू। ये मूंग चना में मिलाएगी, खाओगे ना? ना इस स्प्राउट के साथ आज तो आज थोड़ा खा लेना, मूंग चना खाना चाहिए, अच्छा फायदा करता है। लो लो ले जाओ आज। मैं भी खाना, सभी लोग खाना खा लिए हैं और मैं अपनी दोनों प्यारी सी बिक्रिया और बेटियों को, और ये है हरी रंग की साड़ी बिक्री और ये है बेटी, लेकिन बहुत नॉटी है, अरे कोडरा नॉटी है। और मैं अपनी बेटियों को एक बहुत सुंदर सी कहानी सुना, का नाम है धूर्त लोमड़ी। अभी मैं बहुत आगे चला गया हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा बुद्धि बड़ी या बल। चलिए अब अपना भाषण सुन, बताइए बुद्धि बड़ी या बल? तुम्हारी खुशी है सबल, तुम्हारी खुशी है सबल। वाह क्या तुख बनाया बेटा मेरा। बुद्धि बड़ी या बल तुम बताओ, गुरुजी मम्मी बताओ, बुद्धि बड़ी या बल? तुम्हारी बुद्धि है होगी सफल, तुम्हारी बुद्धि होगी सफल। मैंने बुद्धि बड़ी है ना, लेकिन भैंस कहते भैंस बड़ी बली है। भैंस क्या गंभीर बजावे, लेकिन भैंस कहती है कि भैंस बड़ी है। हाँ, अकल से ज्यादा भैंस बड़ी होती है। कहीं को बैठो, बात दादी को पटक दिया है क्यों? ये दादी पोता में फाइट हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है दादी पोता में। दादी को पटक दिया है, मार्कर लेके आया है, मार्कर से दादी का मूंछ बना रहा है, दाढ़ी बना रहा है, क्या कर रहा है? बहुत बदमाश भैया तरह मार्कर चेहरा पे लगाया जाता है। ईशान, ईशान मार्कर चेहरा पे लगाया जाता है। ईशान अपने सुंदर बन गए, वो
आंख में चला गया अगर लड़का, आंख में लगा लिया, जल्दी जाके आंख धो अच्छे से। फ्रेंड्स अभी मैं डिनर कर चुका हूँ और अभी मैं पिन ब्रश कर रहा हूँ। अभी केबीसी दे रहा है और अभी थोड़ा सा एड आ रहा है तो मैं अभी पिन ब्रश कर रहा हूँ। अभी मैं ट्रक डॉक्टर, लेकिन अभी मैं पेंट ब्रश कम करता है, ट्रक डंपर ज्यादा बनाता है। क्या बना रहा है? बस बस ये बनाया अपने भैया का, अंकित भैया सुसु कर रहा है, अंकित सुसु कर रहा है। और ये ईशान बनाया है, ये ईशान एक ऐसा बिल्डिंग बनाया है जिसमें हर फ्लोर पे गैरेज है, हर फ्लोर पे कार लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और भविष्य में ईशान ऐसा ही बिल्डिंग बनाएगा, है ना ईशान? फ्यूचर में ऐसा ही बिल्डिंग ईशान बनाएगा। और पुराना जमाना में ऐसा बनाएंगे, अब पुराना जमाना में ऐसा बनता था, ऊपर चिमनी लगा रहता था, धुआं फेंकता था। घर कम फैक्ट्री ज्यादा लग रहा है। कैसे? तो आप लोग भविष्य के इंजीनियर को देख सकते हैं जो इस तरह का बिल्डिंग बनाएगा आगे चलकर। दादी कह रही है कि एक फ्लैट दे देना ईशान दादी को भी, एक फ्लैट दे देना हमको। आपका आपके पास गाड़ी है? गाड़ी नहीं है, गाड़ियों दे देना है। वो फ्लैट लेने का शर्त है क्या कि पहले गाड़ी होना चाहिए? सुन रही है माँ, ईशान का फ्लैट तभी मिलेगा ना जब आपके पास एक कार होगा। जब कार खरीदेगा तब जॉब मिल जाएगा। जॉब मिल जाएगा? वो जॉब है कि घर है रहने के लिए? फ्लैट, फ्लैट नहीं, वो एक बिल्डिंग है जिसमें सब काम करता है। वो एक बिल्डिंग है जिसमें काम करता है। क्या काम करता है ईशान? ऑफिस। जी क्या बनाती है? दादी 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 फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पेंट करने जा रहा हूँ। आज के दिन में बहुत अच्छा विचार, मैं अभी दादी बनाया हूँ, मैं अभी दादी बनाया हूँ, ये दादी बनाया है। चलो दादी कम लग रही है, कुछ और लग रही है। क्या लग रही है? आज मम्मी स्कूल गई थी और मंडे से मुझे क्लास जाना है, मतलब स्कूल जाना है, आई मीन स्कूल जाना है। मुझे गलती हो गया था, स्कूल बहुत जरूरी है। हमें इंजीनियर कैसे बनना है पढ़ाई से, हमें लेटर कैसे पहचानना है पढ़ाई से। तो आप लोग पढ़ाई करिए बहुत ही ज्यादा। लेकिन तुम अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इधर इधर घंटी को प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में।